house of hope where dreams ignite. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का यूनिट 3 का पहला चैप्टर देखो कहीं कोई ज़िंदगी ना हार जाए के बारे में पढ़ेंगे, जिसका निसाबी मौजू है मुआशरती शौर, सोशल अवेयरनेस। माशरे में रहने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के अदब व अदाब सीखने पड़ते हैं। इनमें से एक ट्रैफिक के असूलों के बारे में जानना और उनकी पैरवी करना भी है। वीडियो में तकून की शक्ल में ट्रैफिक के असूल दिए गए हैं, जिसको आप इन ट्रैफिक के असूलों को पढ़ सकते हैं और इनकी पैरवी भी कर सकते हैं। पैदल चलते वक्त हमें और सड़क पार करते वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी चलाते हुए हमें रफ्तार को सुस्त रखना चाहिए ताकि हमारी वजह से कहीं कोई ज़िंदगी ना हार जाए। मोटरसाइकिल सवार को हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे अहम और ज़रूरी बात कि आपने छुट्टियों में बुक रीडिंग को अपना मशगला बनाना है। अब आते हैं कवायद की तरफ। कवायद में सबसे पहले आते हैं इस्म नकरा और इस्म मारफा। इस्म नकरा किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म नकरा कहते हैं। मिसाल के तौर पे वो स्कूल जाता है। इस्म मारफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म मारफा कहते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है साबके। साबका का मतलब है पहले आने वाला, ठीक है। किसी भी सादा लफ्ज़ से पहले जो बामायने या बेमायने लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाया जाए उसे साबके कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कम से अब साबके बनाते हैं, कमज़ोर, कम हिम्मत, कमतर, कमयाब। अब एक लफ्ज़ है ज़ीर, ज़ीर से बनाते हैं ज़ीर लब, ज़ीर साया, ज़ीर नज़र। अब हम अपने आखिरी और अगले कवायद की तरफ आते हैं, जो के है मुतज़ाद अल्फाज। ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के उल्ट हों क्या कहलाते हैं, मुतज़ाद अल्फाज। जैसा कि ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ख़ास, आम। प्यारे बच्चों, आपको जो भी वीडियो में बताया जाता है आप उसको गौर से सुने और इसको याद करें। जज़ाकल्लाह।